इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन ने भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए, भूमाफियाओं पर चाबुक चलाने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब भूमाफियाओं पर गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि जमीन कब्जे के दो या ज्यादा केस होने पर यह कार्यवाही की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने भूमाफिया पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं, कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने 700 से अधिक पुरानी फाइलें खंगाली हैं, उसके बाद यह निर्णय लिया है। अवैध कॉलोनियां बनाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता राकेश कन्नौजिया के साथ। राकेश, जैसा कि भूमाफियाओं पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, अब तो क्या जानकारी है आपके पास? देखिए आरोपी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आए थे, पूर्व में भी आए थे कि कुछ लोग जमीन घेरना चाहते हैं और गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं, और पूर्व की सरकार के द्वारा ये मामले लगातार आए थे। और यही वजह है कि योगी सरकार ने फैसला लिया है कि यदि कोई किसी की जमीन पर कब्जा करता है और ऐसे दो या दो से अधिक मामले सामने आते हैं तो उसके खिलाफ गैंगस्टर या फिर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि जो जमीन है, जो दबंग लोग हैं, वो गरीबों की जमीन पर डाका डालते हैं। गरीबों को दबंगों से बचाने के लिए सरकार ने ये कड़ा फैसला किया है, क्योंकि यदि जब दबंग कोई जमीन को घेरने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उस पर हमला भी करता है, गरीब पर हमला बोलता है, कमजोर पर निशाना बोलता है। और यही वजह है कि लगातार ऐसे बिल्डरों का भी चयन किया जा रहा है। करीब 17 बिल्डर ऐसे चयन किए गए हैं कि जो कहीं ना कहीं इस तरीके से काम में लिप्त हैं, जमीन घेरने के मामले में लिप्त हैं। और यही वजह है कि भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने का पुलिस ने सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। 700 फाइल ऐसी खंगाली गई है जो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से जुड़ी हुई है, और सरकार के इस ऐलान के बाद, पुलिस के इस ऐलान के बाद भूमाफियाओं में खलबली मची हुई है। पंजाब का भूमाफिया तरीका ढूंढ रहे हैं किस तरीके से गैंगस्टर या फिर गुंडा एक्ट में बचा जा सके। आरुषि जी, राकेश, जैसा कि 17 बिल्डर निशाने पर है, जैसा कि शहर के बाहर निर्माण कराने वाले 17 बिल्डर इस समय पुलिस प्रशासन के निशाने पर है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या निर्माण को रोक दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन तय कर रहा है क्या कुछ कार्रवाई की जाए। सबसे पहले जांच पड़ताल की जा रही है, जो 17 बिल्डर है जिनको सूचीबद्ध किया गया है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर इन्होंने जमीन हासिल की है, किस तरीके से जमीन को कब्जे में लिया है और इसके खिलाफ कितनी शिकायतें हैं। यदि शिकायतें अधिक होती हैं, दो या दो से अधिक शिकायतें होती हैं, निश्चित ही उनके खिलाफ गुंडा एक्ट या गैंगस्टर में कार्रवाई होना तय है। और इसके बाद शहर से लेकर देहात तक और समुचे प्रदेश के अंदर जो भूमाफिया है उनमें खलबली मची हुई है। आरुषि जी, राकेश, अवैध कॉलोनियां बनाने वालों पर भी कार्यवाही की बात सामने आ रही है, कार्यवाही की सूचना मिल रही है, इस पर क्या जानकारी है? आरुषि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि दयालबाग क्षेत्र के अंदर जो यमुना की तलहटी है, वहाँ पर कई दिनों से प्रवाद चला आ रहा है। जो यमुना डूब क्षेत्र है, वहाँ पर सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया गया है, और इसको लेकर भी प्रशासन बेहद गंभीर है, क्योंकि लगातार वहाँ पर जो लोग हैं, किसान हैं, स्थानीय लोग हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कोर्ट का भी आदेश उसमें आ चुका है, और ऐसे में साफ हो जाता है कि क्योंकि प्रशासन ने साफ कर दिया है दयालबाग क्षेत्र में कि भूमाफिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनके अध्यक्ष हैं जो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसी तरीके से तमाम मामले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन तैयारी में जुट गया है।
जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने गरीबों की जमीन उनको वापस दिलाने के लिए भूमाफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। भूमाफियाओं पर चाबुक चढ़ाने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 700 से अधिक पुरानी फाइलें खंगाली हैं और साथ ही साथ शहर के बाहर निर्माण करा रहे 17 बिल्डर भी प्रशासन के निशाने पर है। अब इन भूमाफियाओं पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।